वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वैश्विकसैन की फ़िल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साय सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्सेस पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दा का का राजू रोल प्ले पर प्रूथी राज के अंदर के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इसमें के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में होंगे हमेंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो, जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूजिक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फार्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसम के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना करसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी एलिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंगाव गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पर जी सो के ऊपर फिल्म आ रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को फोरटीन जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मुझे रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दोस्तों स्पॉलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो 14 जून को तेलगू लैंग्वेज में दे, जाके देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वैशफ सैन की फ़िल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इसको ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ टी टी पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ आ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को रॉट किया है कृष्णा चैतन्य ने और फिल्म को सीमोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियल डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है, है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रतनास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दा रोशनामी का राजू का रोल प्ले करो यहाँ पर प्रूदी राज सिन के अंदर जो के हैं और यहाँ पर मया मयंक पारख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस सिन के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिला है मोथा स्विंग सॉन्ग है पहले शैल अपीरेंस में देखने को मिल चुकी है इस सिन यानी गैंग्स ऑफ़ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हमेंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फार्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज़ को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी लिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंगाव गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फ़िल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नैटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दूसरे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ़ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैानदा नागा वामी एंड साई सोजनिया सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिन फोर सिनेमाज लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर बेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और फिल्म को सी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इस की ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्यक सेन जो जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रतनास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दा रुशामी का राजू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर प्रूढ़ी राज सिन्कंदर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक पारख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस सिन्म के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिला है मोथा स्विंग सॉन्ग है पहले शेल में देखने को मिल चुकी है इस सिन्म यानी गैंग्स ऑफ़ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो में तेईस में फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के, के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स right, जो लीड कास्ट में होंगे हमेंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर आ, बात की जाए आ, इस फ़िल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं यून शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा गाना फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज़ को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज़ को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली सीन को इकतीस मई दो में थिएटर में, में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स उस पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फ़िल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नैटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो हज़ार चौबीस में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दूसरे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाके देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साई सोजन्या तो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप, उपत्री एंड कोपी चंद इनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिर फिल्म के अंदर नानजी ना के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ है पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार कारोसामी का राजू का रोल प्ले करें यहाँ पर प्रोधी राज सिंगंदर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस सिंह के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपेरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा सरमनी के, के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स right, जो उससे लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सोव बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर आ, बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो, जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना करसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन तो इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मॉथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को फोर्टीन जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पेयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फ़िल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साय सोजन्या को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद इनुमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सीनमोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार का राजू का रोल प्ले पर राज राज्य के अंदर के हैं और यहाँ पर मया मयंक परख हैं और यहां पर आयशा खान इसम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो में तेईस में फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इसम की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसम के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहां पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी लिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को 8 मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स तो पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि पर जी हाँ सो के ऊपर फिल्म आ रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दू इस 14 जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मूवी से लेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दूसरे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ टी टी पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साय सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्या ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिन्म को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली रिलीज भी कंफर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्विक सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार का राजू का रोल प्ले पर प्रूथी राज के अंदर के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इसम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में होंगे हमेंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इसम का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सोवे बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इसम की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूजिक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फार्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसम के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना करसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंगाव गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स तो पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि पर जी सो Netflix के ऊपर फिल्म आ रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दू इस फिल्म को फोर्टीन जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो हजार चौबीस में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दूसरे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश इंग्लिस अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी दिन वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू थाउजेंड में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैानदा नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और फिल्म को सीमोडोग्राफी किया है अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर की ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रतनास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दा रोशनी का राजू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर प्रूथी राज सिन्कंदर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक पारख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस सिन्म के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिला है मोथा स्विंग सॉन्ग है पहले शेल अपीरेंस में देखने को मिल चुकी है इस सिन्म यानी गैंग्स ऑफ़ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो में तेईस में फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि इस एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एनटीआर रामा राव के सोव बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज़ को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल, गर्ल, गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी लिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को पारमिनेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंगाव गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को 8 मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली सिंह को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि पर जी सो के ऊपर फिल्म आ रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को, को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह फिल्म इतनी जल्दी क्यों प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता इस फिल्म को फोर्टीन जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो हज़ार चौबीस में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दूसरे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वैशफसेन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप, उपत्री एंड कोपी चंद इनुमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी सपोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर की ऑफिशियली रिलीज भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार गारोस्वामी का राजू का रोल प्ले करें यहाँ पर प्रोधी राज फिल्म के अंदर जुके हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस फिल्म के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपेयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में होंगे होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो में फास्ट लुक इसम का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एनटीआर रामा राव के सोवे सौ, बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इसम की जो फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसके चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्योरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहाँ पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा है युवन शंकर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गर गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पांच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मूस की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही तो है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इस फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मुई से रिलेटेड और यहाँ पर मुई के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जो स्पेलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोर्टीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश इंग्लिस अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात कर करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैानदा नागा वामसी एंड साई सोजनिया सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद इनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिर फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हेपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दारो का का रोल प्ले करंक पर पर परक हैं और यहाँ पर आयशा खान इस के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के, के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो लीड कास्ट में होंगे होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो में फास्ट लुक इस फ़िल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सोव बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इ, इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन शंकर हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना करसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को 8 मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग तो दो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह फिल्म इतनी जल्दी क्यों प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पेयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पेयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फ़िल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साय सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार का राजू का रोल प्ले करें। पर करोधी राज के अंदर के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इसम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो में तेईस में फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इसम की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्पलीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूजिक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूजिक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसम के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज़ को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज़ को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शंकर ने गाया हुआ है और यहां पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी लिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इस फिल्म के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को 8 मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फ़िल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पेयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी दिन वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साय सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिन फोर सिनेमाज लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्या ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिन्म को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुशन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्सेस पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कंफर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्विक सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रथनाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हेपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है जो दारो का राजु का रोल प्ले कर यहाँ पर फिल्म के अंदर के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परक हैं और यहाँ पर आयशा खान इसम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है हैल अपेरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हमेंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ, सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेबर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं यून शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फार्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना करसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी एलिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंगाव गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के जो कि आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो के ऊपर फिल्म आ रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दू इस 14 जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वैशन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में 2024 में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात कर करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरेंद्र नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद इनमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिन को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को 2024 में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म का जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था 24 करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में 21 करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब यह फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली रिलीज भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार स्वामी का राजू का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर पृथ्वीराज राज के जो के हैं और यहां पर मया आ, मयंक परक हैं और यहां पर आयशा खान इस इसलम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिली है मुथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपीयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ़ एन टिया रामा रो के सोव सौ, बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर राम में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूजिक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इ, इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहां पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी लिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मोस की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को पार देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नेटफ्लिक्स के ऊपर नेट नेट ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा जा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलगू लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इस फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पेलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पेलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोर्टीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी में 2024 में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामी एंड साय सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप, उपत्री एंड कोपी चंद इनुमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमाज लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी सपोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ काकुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर की ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर तो गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार गारोस्वामी का राजू का रोल प्ले करें यहाँ पर प्रोधी राज सिमगंदर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपेयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इसम का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टिया रामा रो के सोव सौ, बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह फिल्म की जो फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ़ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसके चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सु, सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन शंकर हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ जो कि आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो से ढाई हफ्तों में आ, जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को, को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह फिल्मी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दू इस 14 जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मुई से रिलेटेड और यहाँ पर मुई के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जो स्पेलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोर्टीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात कर करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप, उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्विक सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हेपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दारो का का रोल प्ले जो के हैं और यहाँ पर आयशा खान इसम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा सरमनी के, के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में होंगे होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सोव सो बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इ, इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहाँ पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी एलिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को 8 मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स तो पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा हाँ रही है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहां पर इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता इस फिल्म को फोर्टीन जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पेयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फ़िल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साय सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार का राजू का रोल प्ले कर यहां पर राज जो के हैं और यहाँ पर मया मयंक परख हैं और यहां पर आयशा खान इसम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मूथा जो सॉन्ग है में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो में तेईस में फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि इस एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सौ, सौ बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इसम की जो फास्ट जो रैप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सु, सूसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहां पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी चौथा सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर, -गर गर, पर राम मिर्स ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पांच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मूस की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में लि रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो तो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फ़िल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस इनको को रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दूसरे स्पायलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में 2024 में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फ़िल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात कर करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरेंद्र नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर विश्वक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिन को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को 2024 में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म का जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था 24 करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में 21 करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर की ऑफिशियली रिलीज भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्विक सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिर इस फिल्म के अंदर नानजी के व... यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार इस फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि इस फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है जो दार रुसामी का राजू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर प्रोधी राज सिंगर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस फिल्म के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है पहले शेल अपेयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि इस एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स से जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एनटीआर रामा राव के सोवे बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फास्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ़ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसम के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा गाना फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्मला सु, सु, सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहाँ पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शंकर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मूज की यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और, और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि के आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली सको इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि वहां पर इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएँगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को फोरटीन जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो हज़ार चौबीस में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया व कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मुझे रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप दोस्तों स्पॉलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो 14 जून को तेलगू लैंग्वेज में दे, जाके देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वैश्विकसैन की फ़िल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ, हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप, उपत्री एंड कोपी चंद इनमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिन को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है हुई है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फिल्म अब थिएटर्स से अब बाहर हो होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इस फिल्म की ऑफिशियली रिलीज डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट वो भी बात करता हूं सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं कास्ट के बारे में तो यहां पर वैश्वक सेन जो है ना यहां पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते तो हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार स्वामी का राजू का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर पृथ्वीराज राज के जो के हैं और यहां पर मया आ, मयंक परक हैं और यहां पर आयशा खान इस इसलम के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले है मुथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपीयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एनटीआर रामा रो के सोव सौ, बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर राम में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहां पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी लिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसम के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मोस की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को पार देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इस फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पोलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पेलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोर्टीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वैशेन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरैन्दा नागा वामी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप, उपत्री एंड कोपी चंद इनुमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगन फोर सिनेमाज लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी सपोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सिन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नौली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर की ऑफिशियली डेट भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्य सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार गारोस्वामी का राजू का रोल प्ले करें यहाँ पर प्रोधी राज सुनगंदर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस फिल्म के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपेयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टिया रामा रो के सौ सोव बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल इसके चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना करसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य म्यूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और, और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली इस फिल्म को इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी सो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस इनको ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इस फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओर टी टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को फोरटीन जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगू लैंग्वेज के अंदर ओ टी पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं मूवी से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जो स्पोलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोर्टीन जून को तेलगू लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गैंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी मई 2024 में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसड बाय uh, सुरैन्दा नागा वामसी एंड साई सोजन्या को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद एनूमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशभक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिम को सीन मोडोग्राफी किया अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है वो है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलगू लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म के जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलगू है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली डेट भी कंफर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैश्विक सेन जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्नाल रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गीदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार कारोसामी का राजू का रोल प्ले करें यहाँ पर प्रोधी राज सिंगर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस सिंह के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है स्पेलिस अपेयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के, के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि इस एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सोव बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इसम की जो आ, फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया हुआ था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं युवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुत्थमला सुसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इ, इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रिलीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहाँ पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को तो लिखा युवन शक्कर ने गाया हुआ है और यहाँ पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल गर् गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी एलिया ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मूज की यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैया गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि 8 दिसंबर 2022 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को 8 मार्च दो में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली फिल्म को इकतीस मई दो में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ मौत मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और ये फिल्म अब आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही है लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि ये फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है ओ टी टी प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स पर जी हाँ सो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म आ रही है जो कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि वहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया जाएगा फोटीन जून को यानी चौदह जो जून को ये फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि फिल्म को इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ करवाया जा रहा है और ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों ओ टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूँ इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को ये फिल्म आपको दो में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती है मुई से रिलेटेड और यहाँ पर मुई के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पॉयलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोरटीन जून को तेलगु लैंग्वेज में दे जाकर देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेस्वेक्सैन की फिल्म जो 2024 की एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गोदावरी गेंग ऑफ गोदावरी जो फ़िल्म है ना 2024 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और यहाँ पर इस फिल्म को ट्वेंटी थर्टी वन में टू में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ है और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि अब हिंदी में रिलीज़ करवाया जाएगा या नहीं साथ ही इस फिल्म को ओ पर भी रिलीज़ करवाया जाने वाला है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है वो बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात कर करूँ गैंग्स ऑफ गोदा जो कि गोदावरी 2024 में इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म राइट एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा चैतन्य इट इज़ अ बीइंग प्रोड्यूसर बाय सुरा नागा वामसी एंड साई सोजन्या सो को प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट उप उपत्री एंड कोपी चंद इनमुरी अंडर द सितारा एंटरटेनमेंट्स एंड फॉर चिगून फोर सिनेमास लीड कास्ट की बात करें तो यहाँ पर विश्वक सेन है अंजलि है नेहा शेट्टी है और यहाँ पर नासिर और पी साई कुमार भी स्पोर्टिंग रोल में हैं डायरेक्ट किया हुआ है कृष्णा चैतन्य ने स्टोरी को राइट किया है कृष्णा चैतन्य ने और सिंको सीन मोडोग्राफी की है अनित मादीदी ने और यहाँ पर इस फिल्म की एडिटिंग की है हुई है नवीन नोली ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया युवा शंकर राजा ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनियाँ सितारा एंटरटेनमेंट फॉर्च्यून फॉर सिनेमास थर्टी वन मे को दो हज़ार चौबीस में थिएटर्स में रिलीज़ करवाया हुआ था तेलुगु लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला एक सौ छियालीस मिनट का और यहाँ पर इस फिल्म का जो लैंग्वेज वगैरह है वो तेलुगु है और यहाँ पर फिल्म का बजट था ट्वेंटी फोर करोड़ और इस फिल्म ने आठ दिनों में ट्वेंटी वन करोड़ का कुलेशन किया हुआ है और ये फ़िल्म अब थिएटर्स से अब बाहर होने वाली है अब ये फिल्म बॉक्स पर तो हिट होने वाली है और कुछ ही जो कि एक दो दिन के अंदर अंदर हिट भी हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियली रिलीज भी कन्फर्म हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म की वो कौन सी डेट है वो भी बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कास्ट के बारे में तो यहाँ पर वैशवाख सेन जो जो है ना यहाँ पर टाइगर रत्ना का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर अंजलि फिल्म के अंदर रत्ना रत्ना मालू का रोल प्ले कर रही है जो रत्ना की फ्रेंड है नेहा शेट्टी बुज्जी का रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर नासिररी फिल्म के अंदर नानजी के यानी बुच्ची इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पी साई कुमार फिल्म के अंदर गेदा राजू का रोल प्ले कर रहे हैं हैपर आदि फिल्म के अंदर मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मधुना नंदन फिल्म के अंदर रत्नास के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण है गुप्पा जो कि गुप्पा राजू रामा है और जो दार और का राजू का रोल प्ले करें यहाँ पर प्रोधी राज सिंगर जो के हैं और यहाँ पर मया आ, मयंक परख हैं और यहाँ पर आयशा खान इस के अंदर जो कि सॉन्ग में देखने को मिले मोथास जो सॉन्ग है स्पेलिशल अपेयरेंस में देखने को मिल चुकी है इस फिल्म यानी गैंग्स ऑफ गोदावरी में तो ये एक बहुत ही कमाल की एपिक फिल्म है जो बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था छब्बीस अप्रैल दो तेईस में इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि पूजा शर्मनी के, के तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि एक फ़िल्म बन रही है और इस फिल्म के जो राइट्स जो से लीड कास्ट में हम होंगे विश्वसैन होंगे और यहाँ पर इस फिल्म को शेड्यूल किया ट्वेंटी एट मे दो हज़ार तेईस में फास्ट लुक इस फिल्म का जो कि वील्ड किया गया था सेलिब्रेशन ऑफ एन टी आर रामा रो के सो बर्थडे के ऊपर और यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की जो कि शूटिंग वगैरह की तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह इस फिल्म की जो फास्ट जो रेप वगैरह किया हुआ था फर्स्ट शेड्यूल वो था जो कि सेकेंड शेड्यूल था आठ जुलाई को दो हज़ार तेईस में और यहाँ पर सेंसर रूरल जो एरियाज़ था ना वहाँ पर रामजुंद्री में इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह की हुई थी कंप्लीट किया था सोलह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस में इस फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें साउंड ट्रैक यानी म्यूज़िक के बारे में तो यहाँ पर साउंड ट्रैक यानी जो प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक के वो हैं यूवन शंकर राजा और यहाँ पर आदित्य म्यूज़िक के बैनर के थ्रू इस फिल्म के राइट्स वगैरह जो बेचे हुए थे आदित्य म्यूज़िक यूट्यूब वालों ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था और ये फिल्म आपको इस फिल्म के जो भी गाने वगैरह हैं ना आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह मैं गानों की बात कर रहा हूँ तेलुगु लैंग्वेज की यहाँ पर हिंदी की कोई भी बात नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल के चार गाने हैं और यहाँ पर जो चौथा फर्स्ट सॉन्ग है ना वो है जो कि सुथमला सु, सूसी जो सॉन्ग है श्री हर्षा इमनी ने जो कि रिलीज को लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ है तीन मिनट बाई सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है यानी ड्यूरेशन है और यहाँ पर दूसरे सॉन्ग की बात करें तो मूथा जो सॉन्ग है चंद्र बोस ने रीज को लिखा हुआ है एम एम मनसाई ने जो कि सॉन्ग को गाया हुआ है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन है तीन मिनट छब्बीस सेकेंड और यहां पर तीसरा सॉन्ग है बैड जो कल्याणी चक्रवर्ती ने लिरिक्स को ने गाया हुआ है और यहां पर तीन मिनट नौ सेकेंड इस सॉन्ग की भी लेंथ है चौथा सॉन्ग है गर्ल, गर्ल, गिरी गिरी जो सॉन्ग है ना कारसाला श्याम ने जो कि लिरिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर राम मिर्सी ने जो कि गाया हुआ है चार मिनट पाँच सेकेंड इस सॉन्ग की लेंथ है टोटल इसमें के अभी तक चार गाने जो है रिलीज़ हो चुके हैं और ये सारे आपको आदित्य मोस की यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो देखने को फॉर्मेट देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अब बात करें रिलीज़ की तो यहाँ पर गैंग गोदावरी जो फिल्म है ना थिएटर में थर्टी फर्स्ट मे को रिलीज़ हुई थी जो कि इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ है ओरिजिनली और यहाँ पर रिलीज़ के, जो कि आठ दिसंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था बाद में फिल्म को आठ मार्च दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन प्रोडक्शन इशूज़ के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद फाइनली सको इकतीस मई दो हज़ार चौबीस में थिएटर में रिलीज़ करवाया गया उसके बाद इस फिल्म को काफ़ी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिला और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे और यह फिल्म बॉक्स पर अपना बजट भी रिकवर कर चुकी है और यह फिल्म अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलने जा रही लगभग दो से ढाई हफ्तों में जो कि फिल्म आपको जो कि देखने को मिलने जा रही है जो कि वहां पर इनको ऑफिशियली रिलीज करवाया जाएगा फोर्टीन जून को यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको जो कि नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेलगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया कि को इतनी जल्दी क्यों रिलीज करवाया जा रहा है और यह फिल्म इतनी जल्दी क्यों टी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर आ रही है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो ऑफिशियली बता दूं इस फिल्म को 14 जून यानी चौदह जून को यह फिल्म आपको दो हज़ार चौबीस में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि तेलगु लैंग्वेज के अंदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट्स निकल के नहीं आई हैं जैसे अपडेट्स हिंदी के बारे में भी आएंगी वो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जो कि अपडेट्स मिलती रहती हैं से रिलेटेड और यहाँ पर मूवी के बारे में अपडेट भी दी जाती हैं इस फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी के बारे में रिवील वगैरह नहीं किया होगा तो अगर आप जैसे स्पॉलर के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई भी स्पॉलर वगैरह नहीं दिया गया तो वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिल्म को देखना है तो फोर्टीन जून को तेलुगू लैंग्वेज में दे, जाके देखना विद इंग्लिश अप्रैल के साथ वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर